आज से 3 साल पहले मैं फेसबुक की टाइमलाइन को स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करते करते मेरे को एक ऐसी मीम मिली जिसके अंदर एक न्यूज़ थी कि एक आदमी था, उसने रात भर फ़ोन चलाया और सुबह उठकर उसने देखा तो वो अंधा हो चुका था। तो उस समय तो मैंने ये मीम इग्नोर कर दी थी, लेकिन आज जब मैं खुद रात भर फ़ोन चलाता हूँ तो मुझे वो मीम दोबारा याद आई और मैंने सोचा मुझे इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि क्या सही में कोई रात भर फ़ोन चलाकर अंधा हो सकता है। तो मैंने इसकी रिसर्च के लिए गूगल पे सर्च किया तो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ वालों की तरफ से एक न्यूज़ मिली। मुझे उस न्यूज़ से पता चला कि USA के अंदर एक रिसर्च कंडक्ट की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ टोडेल्डो के ज़रिए। जो भी मुझे पता चला उसे जानने से पहले आपको ह्यूमन आई का डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक ह्यूमन आई है और इस आई के सामने एक ऑब्जेक्ट है। जब कहीं से लाइट आएगी, ट्यूबलाइट, ट्यूब बल्ब या फिर बल्ब, कहीं से भी लाइट आती है तो वो लाइट जब इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर जाएगी और आई के अंदर एक रेटिना नाम की वॉल होती है, दीवार होती है, और उसके अंदर ही वो इमेज फिर बनेगी। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो भी हम कुछ अपने आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें रेटिना पर बनती है। और आपको एक बात और बता दूँ कि जो हमारा मोबाइल होता है, टीवी होता है या फिर कोई भी डिवाइस होता है, उसकी स्क्रीन के अंदर से ब्लू लाइट रेज आती है। जिस तरीके से नॉर्मल लाइट आती है उनके अंदर से, उसी तरीके से उनके साथ में एक ब्लू लाइट आती है। ब्लू कलर की नहीं होती, बस उनका नाम ब्लू होता है। और उस न्यूज़ के अंदर ये लिखा था कि ज़्यादा फ़ोन चलाने से जो वो ब्लू लाइट होती है वो हमारी आँखों के अंदर जब जाती है और फिर जब वो ब्लू लाइट हमारे आई के रेटिना के ऊपर जाती है तब जितने भी रेटिना के ऊपर सेल्स होते हैं वो उनको मारने लगती है। आसान लैंग्वेज में बताऊं तो जो रेटिना के ऊपर की खाल होती है उसको वो डैमेज करने लग जाती है, उसको मारने लग जाती है, और इसी वजह से हमारा रेटिना डैमेज हो जाता है और इस वजह से हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। तो आपको ये तो पता चल चुका है कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से ब्लू लाइट रेज आपकी आँखों को डैमेज कर सकती है और आपकी आईसाइट वीक कर सकती है। अब आप कहेंगे कि ये बात तो बता दिया कि इससे आईसाइट डैमेज होती है, अब ये भी बता दे कि इससे करना क्या है, अब फ़ोन थोड़ना छोड़ सकते हैं हम लोग। फ़ोन तो एक एवरीडे की चीज़ बन चुकी है, तो इसीलिए मैं ऐसी कुछ प्रिवेंशन आपको बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। तो पहली प्रिवेंशन तो मैं यही बताऊँगा कि अपने फ़ोन के अंदर iSaver नाम की ऐप को इंस्टॉल करो ताकि आपके फ़ोन में iSaver रहे। iSaver आपके फ़ोन की ब्लू लाइट को स्टॉप करता है, कुछ हद तक उसे कम कर देता है, तो इससे आपकी आई कम डैमेज होंगी। अगर आप बंद कमरे में फ़ोन चलाओ या किसी थोड़ा सा अंधेरी वाली जगह में फ़ोन चलाओ तो इसे ऑन करके रखना। दूसरी प्रिवेंशन मैं दूंगा कि आप लोग जब कभी भी सोने के लिए जाओ तो अपने फ़ोन को बंद रखो और अपने फ़ोन को सोते वक्त चलाना बंद करो। और अगर रात को फ़ोन चलाने की ज़रूरत है ही तो अपने घर की लाइटों को ऑन करके फ़ोन को चलाओ। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब रात को आप फ़ोन का यूज़ कम करना शुरू कर दोगे तो आपको नींद जल्दी आना शुरू होगी क्योंकि आपकी बॉडी मेलाटिन बनाना शुरू करेगी। इसके बारे में मैंने अपनी 3rd eye वाली वीडियो में बात की है, आप उसे देख सकते हो। शुरुआत के कुछ दिनों में दिक्कत हो सकती है कि फ़ोन नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपकी आदत पड़ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना।